गढ़चिरौली के एक गारपति परिसर में हुए नक्सली मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए। इसी मुठभेड़ में C60 टीम के 4 जवान गोली लगने से घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए शहर के ऑरेंज सिटी अस्पताल में लाया गया था। जवानों को मिलने के लिए गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे व राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल जवानों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधा। गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे आज शहर के ऑरेंज सिटी अस्पताल नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जवानों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में कई खतरे आए, लेकिन मैं उनसे डरा नहीं। साथ ही इससे मेरे काम पर भी किसी तरह का असर नहीं हुआ है, जिसके बाद उन्होंने गढ़चिरौली जिले के विकास को हमेशा प्राथमिकता दूंगा, ऐसा कहते हुए गढ़चिरौली की समस्याएं और युवाओं के मुद्दे पर भी संवाद साधा। गढ़चिरौली मध्ये जी चकमक झाली, त्यामध्ये बाकी तर सगळं तुम्हाला माहित आहे। 26 लोकांचा एन्काउंटर खात्मा केला आपल्या शूर जवानांनी, ते सगळं आपण सगळं ते जाणता सगळे लोक, आणि त्या बाबतीमध्ये देखील मी काल बोललो आहे। आणि खरं म्हणजे एक मोठी कारवाई या वर्षातली आपल्या C60 जवळ आपली टीम आणि पोलीस गडचिरोली पोलीस यांनी संयुक्तपणे हे ऑपरेशन राबवलं, आणि त्याच्यामध्ये जहाल असे ज्यांच्यावर लाखो रुपयांचं इनाम होतं अशा लोकांना त्यांचा एन्काउंटर केला आहे, त्यांना कंठस्नान घातलं आहे। आणि एक मोठी कारवाई आपल्या या परवाच्या दिवशी पोलिसांनी केली, त्यांचं अभिनंदन मी केलेलं आहे, त्यांचं अभिनंदन करावं तेवढं थोडंच आहे। राज्य के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए पुलिस कर्मियों से मिलने नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल पहुंचे। उस दौरान पत्रकारों से वलसे पाटिल ने संवाद साधते हुए गढ़चिरौली में 26 नक्सलियों के मारे जाने पर पुलिस को बधाई दी। साथ ही अमरावती नांदेड़ मालेगांव में दंगे कैसे हुए, उन्हें हिंसक मोड़ कैसे आया, इसके जांच के आदेश दिए गए हैं, ऐसा कहते हुए गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वलसे पाटिल बोले, फिलहाल घायल जवानों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है। 13 तारखेला गढ़चिरौली यानी छत्तीसगढ़ च्या बॉर्डर वर ग्यारापत्ती भागा मध्ये गस्त घालत असताना काही माओवादी त्या परिसरामध्ये असल्याचा सुगावा लागला आणि त्याच्यामध्ये पोलीस आणि माओवाद्यांच्यामध्ये जी चकमक झाली त्याच्यामध्ये अनेक माओवादी पळून जाण्यात यशस्वी झाले, परंतु या चकमकीमध्ये 26 माओवाद्यांचा खात्मा त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि 4 जवान पोलिसांचे त्याच्यामध्ये जखमी झालेले आहेत। इस दौरान वलसे पाटिल बोले, कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि अज्ञात नक्सली महाराष्ट्र के थे या छत्तीसगढ़ के। साथ ही वे बोले, गढ़चिरौली में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में देश में सबसे ज्यादा नक्सली कमांडर और 26 नक्सली की संख्या सामने आई, यह संख्या और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है, फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान वे बोले, गढ़चिरौली में पुलिस अस्पताल है लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है, गढ़चिरौली को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की जरूरत है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ संजय मीरे, क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।